नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली नाइट नाइन। संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें एक बार फिर से सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुना गया। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। और साथ ही एक बार फिर से संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद सोनिया गांधी ने उन तमाम वोटरों का धन्यवाद दिया जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया था। और इस बात की जानकारी खुद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दी। रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि एक बार फिर से सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुना गया है। और सोनिया गांधी की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने यह कहा कि वो एक बार फिर से 12 करोड़ वोटर जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है उनका वो धन्यवाद करते हैं। लेकिन आपको बता दें, इस पूरी मीटिंग के बाद राहुल गांधी के तेवर भी साफ तौर पर सख्त नजर आए। उन्होंने कहा कि हम 52 सांसद जरूर हैं, लेकिन हम बीजेपी को नचवाने के लिए काफी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले हमसे लड़ेंगे, हमें गालियां देंगे, हमें गुस्सा दिखाएंगे, हमसे नफरत करेंगे, लेकिन आप उसका लुफ्त लीजिएगा। तो साफ तौर पर उन्होंने इस बैठक में संबोधित करते हुए कहा कि हम 52 सांसद जरूर हैं, लेकिन बीजेपी के लिए 52 सांसद हम काफी हैं। इस तरह का बयान राहुल गांधी ने दिया है। कहीं ना कहीं अपने सख्त तेवर संसद का सत्र शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने दिखाए हैं। आपको बता दें, हाल ही में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी चुनावों के बाद, और उसमें राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। वो लगातार इस मांग पर अड़े हुए हैं कि उनका इस्तीफा मंजूर किया जाए, लेकिन पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को ये समझाने में लगे हुए हैं कि वो इस पद से, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा ना दें। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक हुई है और उसमें राहुल गांधी ने इस तरह कि अपने सांसदों को कहा है कि बीजेपी से मुकाबला करें, उनसे हर मुद्दे पर लड़ें, तो तमाम तरह की बातचीत राहुल गांधी ने की है। और आपको बता दें, इस बार 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटों पर जीत हासिल हुई है, और इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त सिर्फ 52 सांसद हैं। और किसी भी विपक्षी पार्टी को विपक्ष का दर्जा पाने के लिए कम से कम 55 सांसदों की ज़रूरत होती है, लेकिन 2014 में भी कांग्रेस पार्टी का यही हाल हुआ। उन्हें सिर्फ 44 सांसदों से ही संतोष करना पड़ा। और इस बार एक बार फिर हालांकि इस संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी ज़रूर हुई है, लेकिन फिर भी वो विपक्ष का दर्जा पाने में नाकामयाब हुई है और सिर्फ 52 सीटों पर ही इन चुनावों में जीत दर्ज कर पाई है। और यदि खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।